मेरा नाम रिजवाना परवीन। रिजवाना जी, देखा जा रहा है कि आप मुस्लिम धर्म से आते हैं। जी, लेकिन कन्या पूजन में आप आए हैं, दो दो बच्चों के साथ, क्या कहना चाहेंगे? हम बहुत खुश हैं। मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? और हम क्या बोले, मुझे बहुत खुशी हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है आने में, बहुत खुशी हासिल हो रही है मुझे आने में। बच्चे को लेके आए, अच्छा लग रहा है, आप खुशियाँ भी अच्छा लग रही है, बहुत अच्छा ही प्रोग्राम, बहुत अच्छा हुआ है, बहुत देख के बहुत खुशी हुआ, मेरा दिल में बहुत खुशी हुआ, मुझे अच्छा लग रहा, अच्छी लग रही है। हाँ जी, अच्छा लग रहा है। देखा जा रहा है कि मुस्लिम धर्म के लोग जल्दी कन्या पूजन में हाँ नहीं करते, सही बात। लेकिन आपने भाग लिया, हाँ पेड़ा थी नहीं थे, अच्छा लग रहा है, हमको खुशी हुआ देख करके, कोई बात नहीं थी, अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहिए? अब उनके बारे में हमको उतना ही नहीं है, हम नहीं कुछ कहना सकते हैं, ना हाँ ना ना, बस कुछ नहीं करना। ठीक, थैंक यू। ठीक, शायद नवरात्रि के अष्टमी के दिन अष्टमी के अवसर पर जो हमारे कन्याएं हैं जनपद की, उनको एक संदेश देने के लिए कन्या पूजन कार्यक्रम उन लोगों ने आयोजित किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि बेटियों को जो भ्रूण हत्या होती है उनको रोका जाए, बेटियां अधिक से अधिक संख्या में पैदा हो, जो हमारा घटता हुआ जेंडर रेशियो है उसका इम्प्रूवमेंट हो, और जो बच्चियाँ हमारी पैदा होती हैं उनको उसी हर्षोल्लास के साथ वेलकम किया जाए जैसे बेटों को किया जाता है, उनको समान अवसर दिए जाएँ, उनका पोषण का ध्यान रखा जाए, उनको पढ़ाया जाए ताकि वो पूर्ण रूप से विकसित हो सकें। इसी स्पिरिट को सेलिब्रेट करने के लिए और माँ दुर्गा को आशीष देने के लिए कन्या पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें लगभग 54 कन्याओं को हम लोगों ने आज पूजन किया है और उनको गिफ्ट स्वरूप कुछ बुक्स, कलर्स और साथ में पोषण सामग्री दी गई है। और सभी माताओं से अनुरोध है कि संदेश को पूरे जनपद में फैलाएँ और बेटियों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान। हाँ, ये प्रति तहसील एक मंदिर, एक एक मंदिर का चयन किया गया है जहाँ पर लोकल लेवल पे भजन कीर्तन और दूसरा सप्तती पाठ इत्यादि कराए जा रहे हैं। जैसे हमारा चिदराई तहसील में माँ कामाख्या धाम है, करंडा में सतिया माई मंदिर है, करीमुद्दीनपुर में कष्टहरणी मंदिर है, इन सब मंदिरों पे आयोजन किए जा रहे हैं जो टूरिज्म विभाग द्वारा किया जा रहा है। ये देखिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि बच्चों का कोई धर्म नहीं होता है, बच्चे सबके लिए, सबके बच्चे से परिवार के लिए, सभी समाज के बच्चे होते हैं, और ऐसे में हमारे साथ दो मुस्लिम बच्चियां भी हैं मुस्लिम समुदाय से, रिजवाना जी की दो पुत्रियां हैं जिनका पुण्य पूजन किया गया है, और वो बहुत इस बात से प्रसन्न हैं कि इस तरह का आयोजन हुआ है, और हम इससे यही संदेश देना चाहते हैं कि बच्चियों को जिस तरह से हमारे संस्कृति में उनका आदर करना, सम्मान करना, उनका पूजन का एक दर्जा है, वो बच्चियों को मिले, महिलाओं को मिले और बच्चियाँ आगे बढ़ सकें, तो मैं इस चीज़ का बहुत स्वागत करती हूँ, और मैं सभी माताओं से, बहनों से और इवन पुरुषों से निवेदन करूँगी कि अपने घर की बच्चियों को, बहनों को आगे करें और उनको पूरे बढ़ने का, विकसित होने का अवसर दें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, नई वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं, अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।